हेलो एवरीवन, वेलकम टू थ्रोन एजुकेशन। थ्रोन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने देखा ही होगा कि उत्तरी आयरलैंड में राजनीतिक गतिरोध क्यों था और क्यों है और क्या कारण बना है और आने वाले समय में क्या यहाँ पर अपडेट आए हैं, उन सभी पर चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। माई सेल्फ एजुकेशन क्वालिफिकेशन बी एस सी मैथमेटिक्स बी एड आई फोर ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस वाई मोटो ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज देखना। थ्रोन एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देनी ताकि मुझे आपके अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा आपको क्या क्या यहाँ पर अपडेट रहा है। तो सबसे पहले ज्योग्राफिकल लोकेशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आयरलैंड जो है वो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, जिसे साउथ आयरलैंड बोला जा सकता है, जिसकी राजधानी जो है वो डबलिन है, और साथ ही साथ में नॉर्थ आयरलैंड यूके, पार्ट ऑफ यूके है तो यूके लिखा गया है, और बेलफास्ट जो है उसकी कैपिटल है यहाँ पर। और अगर नॉर्थ आयरलैंड की मैं बात करूँ तो ज्योग्राफिकल लोकेशन में अगर देखा जाए तो नीचे जो यहाँ पर वेल्स आता है, वेल्स जो इंग्लैंड का यूके का ही पार्ट है, वेल्स आता है, और वेल्स के ऊपर जो है वो आपका इंग्लैंड रहता है, और इंग्लैंड के ऊपर स्कॉटलैंड रहता है, वो भी यूके का पार्ट है, तो ये सब से घिरे हुए हैं। ठीक है, और इसी के साथ में अगर यहाँ पर अपन देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर यूके का ही चलता है, संवैधानिक तंत्र जो है वो यूके का ही पार्ट है, तो ऑब्वियसली बात है। और कंस्टिटेक्ट कंट्री ऑफ यूके, ये एक संगठित देश ही है यूके का, यूके की ही कंट्री है। ठीक है ना, और मोस्ट पॉपुलर रीजन जो है वो यूके का स्कॉटलैंड होता है, वैसे तो फर्स्ट पर, सेकंड पर जो आता है वो आपका नॉर्थ आयरलैंड ही है ना। कैपिटल जो है वो बेलफास्ट मैंने आपको बताई दिया, और सबसे बड़ा शहर भी यहाँ का नॉर्थ आयरलैंड का बेलफास्ट ही रहता है। राजनीतिक भाषा अगर देखी जाए तो यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी, आयरिश या फिर स्कॉट्स भी बोली जाती है, और लेस्टर जो है वो भी यहाँ भी आधिकारिक राज्य भाषा है, आधिकारिक भाषा तो अलग रह जाएगी। और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है, संवैधानिक राजतंत्र है, और साथ ही साथ में महारानी चार्ल्स थर्ड जो है वो यूके की जो है वो भी यहाँ पर सेम रूल लगता है। और लगभग लगभग एरिया की बात करूँ तो 13,843 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर ये एरिया फैला हुआ है। पॉपुलेशन यहाँ पर लगभग लगभग 18,10,883 पॉपुलेशन है। GDP 33.2 US डॉलर जो है वो यहाँ पर इनकी बिलियन डॉलर में यहाँ पर GDP है, और साथ ही साथ में करेंसी जो है वो पाउंड स्टर्लिंग यहाँ पर होती है। और यहाँ पर जो संसदीय व्यवस्था है तो एक सदस्य संसदीय व्यवस्था, जहाँ पर 90 MLAs लगभग यहाँ पर इलेक्ट होते हैं और आते हैं। अभी जो लास्ट इलेक्शन हुआ था 2022 में, यहाँ पर नई सरकार का गठन किया गया था, और 2022 के बाद में अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं, और लगभग लगभग राजनीतिक अंतराल जो है उसको समाप्त करते हुए एक नई सरकार का गठन किया गया है। तो ये सारा जो बेसिक मैंने था वो आपको बताया। अब अपन आते हैं इसके ऊपर कि कौन क्या रहा है। तो डेमोक्रेटिक यूनिटिस्ट पार्टी, जिसे आप इंग्लिश में अगर कहेंगे तो DUP जो है, DUP ने असेंबली में फिर से शामिल हुआ है हुआ है। तो ये इलेक्शन के ऊपर जो बात बताई गई, तो जो लास्ट इलेक्शन जो हुआ 2022 में हुआ था आपको बता भी दिया मैंने, है ना। और इस इलेक्शन के बाद में अब क्या गतिरोध आया है उसके ऊपर अपन देखते हैं। यहाँ पर जो 2020 में जो इलेक्शन हुए थे, 2022 में जो चुनाव हुआ था स्ट्रोमोरेट में जो हुआ था, तो असेंबली का यहाँ पर मैं बताऊँ तो यहाँ पर टोटल जो थी 90 सीट्स के ऊपर जो चर्चा हुई थी के बारे में बता रहे हैं, तो स्पष्ट बहुमत नहीं था। यहाँ पर 27 सीट्स आई थी, देन 22 आई थी, तो आपको यहाँ पर अलग अलग लिखा गया है, और 17 आई थी, 9 आई थी, 8 आई, 1, 2, 3, 1, 0, तो इस तरह का सिनेरियो यहाँ पर रहा था। ये जो पूरा आपको बताया गया ऑर्डर के अंदर, तो ये सारी सीट्स का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है। तो इस तरह से सरकार बनी मिलकर वो आपके सामने सिनेरियो रिजल्ट का रखा गया है। और इसमें अगर देखें तो जो बात यहाँ पर कही गई है उसी को समझने का प्रयास कीजिएगा कि उत्तरी आयरलैंड में NI में, जो अपन NI बोलते हैं, मैं बोल ही रहा था आपको कि NI के रूप में रिप्रेजेंट कर देंगे इसको, तो NI के अंदर चुनावों के बाद में दो प्रमुख दलों के बीच में एक अवकाश के बाद इस महीने नई सरकार विकसित की गई है। तो दोनों ही काफ़ी डिफरेंस रहा है, दोनों के साथ में एक नई सरकार का गठन किया गया है। प्रो आइस एकता जो है वो सिन फैन पार्टी ने सबसे अधिक सीटों को जीता है, तो 27 सीट्स जो आई हैं अमूमन में जो यही लग रहा है। और साथ ही साथ में यह NIA के निर्माण के बाद पहली बार है जो कि स्ट्रोमेंट में, मतलब जो संसद होती है वहाँ पे स्ट्रोमेंट बोला गया है, स्ट्रोमेंट जो है उसमें पहली बार राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री मिशेल ओनील, ये जो लेडी है ये है मिशेल ओनील, है ना, मिशेल
ओनिल, मिशेल ओनिल जो है ये राष्ट्रवादी पार्टी की प्रधानमंत्री बन गई है, ठीक है ना। तो मिशेल और ओलिन का नाम याद रखना है, मिशेल ओनिल, मिशेल ओनिल। हाँ, तो इनकी शक्ल देख के आपको नाम याद हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और साथ ही साथ में डेमोक्रेटिक यूनिनिस्ट पार्टी जो थी, DUP की प्रतिरूप की तरह प्रतिनिधित्व है, उसे उप प्रधानमंत्री है, मतलब एक में हेल्पिंग प्रधानमंत्री बने और साथ में दूसरी जो है वो उप प्रधानमंत्री बने हैं। इनका नाम है की पार्टी की एमा लिटिल पेंगेल पेंगेली एंगा एमा लिटिल पेंगेली, थोड़ा सा नाम अलग होता है, एमा लिटिल पेंगेली जो है वो यहाँ पर दूसरी हैं। इन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया गया था इनके प्रतिनिधित्व में। तो ये वो है उप प्रधानमंत्री, ये है उप प्रधानमंत्री, ये है प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों बनाए गए हैं, है ना। तो देखो भाई, दोनों को बनाकर यहाँ पर पार्टी ने क्या किया है, अपनी जो सरकार की तंत्र प्रणाली है उसे प्रारंभ करने का प्रयास किया है। और साथ ही साथ में सरकार बनने में इतना समय क्यों लगा, तो देखिएगा यहाँ पर जब 2022 में इलेक्शन हो गए दोनों दलों के बीच में, तो अब इतना समय क्यों लगा उसके ऊपर भी चर्चा देखते हैं कि इस बिंदु को भी मैं आपके सामने रखता हूँ। जब दोनों ही चीज़ें हुई, सरकार बनने में जब इतना समय लगा तो क्यों लगा, उसका क्या रीज़न रहता है और क्या यहाँ पर सिनेरियो रहा, उसके ऊपर भी एक चर्चा करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखिएगा DUP और कंजर्वेटिव के नेता वाली सरकार एक घटक मतलब एक साथ में यूरोपीय संघ यूई से ब्रिटेन ब्रिटेन के 2020 की वापसी वापसी समझौते का एक हस्ताक्षर था। उन दोनों के बीच में आपस में वापसी में एक समझौता हुआ था, उसके ऊपर हस्ताक्षर हुआ। पार्टी ने फिर भी एनआई और शेष NI मतलब नॉर्थ आयरलैंड और शेष ब्रिटेन के बीच में बनाई गई आंतरिक व्यापार सीमा के साथ में सामंजस्य नहीं बैठा पा रहा है, नहीं बैठा बैठाया है। और इसीलिए 2022 में 22 के क्षेत्रीय चुनावों के बाद में मोर्ट जो संस्थान है उसका बहिष्कार किया गया, मतलब संसद का बहिष्कार किया गया है। और आयरिश सागर में सीमा कंजर्वेटिव के इस संग्रह के कारण जरूरत हो गई थी कि 2016 में जन जन जनमत संग्रह में छोड़ने के फैसले का मतलब यूरोपीय संघ के साथ में स्पष्ट विराम से कम नहीं था। मतलब कहने का मतलब यह है कि जब वहां पर पूर्व स्थिति जो थी वो 2020 के अंदर इस एक हस्ताक्षर किया गया था एक समझौते पर, उस समझौते के तहत यहाँ पर बात रखी गई है कि ना। तो ये बात कही गई कि कंजर्वेटिव जो नेता थे उन्होंने सरकार का हिस्सा DUPI और NI को और शेष ब्रिटेन के बीच में आंतरिक व्यापार समझौता आपत्ति जताई थी कि भाई ऐसा होता है वर्ल्ड ट्रेड के अंदर, अगर अपन आते हैं तो व्यापारिक सीमा जो है वो हमारी होनी चाहिए, आंतरिक व्यापारी सीमा होनी चाहिए। पहला मुद्दा ये रखा था। 2022 के अंदर जब चुनाव हुए थे तो उसका बहिष्कार कर दिया गया था। आयरिश सागर जो है उसकी सीमा है, जो 2020 के अंदर वापसी समझौता किया गया था उसके परिणाम स्वरूप ये लक्ष्य रखा गया था कि यूरोप के संघ जो है उनके साथ में स्पष्ट रूप से अलग होना है, मतलब हमें यूरोपीय संघ से अलग रहना है, अलग होना है, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो खुद हम डेवलप करना चाहते हैं। तो ये कारण यहाँ पर सबसे बड़ा रखा गया। बातचीत के बाद में NIA ने अब अपनी यूनाइटेड यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ दोनों के अधिकार क्षेत्र के तहत काम करता है। तो अभी जो अधिकार क्षेत्र दोनों का रहता है उनके साथ में काम करने का पूरा प्रोसीजर यहाँ पर अपनाया गया है NI के द्वारा, NI मतलब नॉर्थ आयरलैंड के द्वारा, ठीक है। और इस गठन के साथ में UK और NIA जो यूरोपीय संघ की जो सीमा शुल्क है, सीमा शुल्क संघ के साथ में करने करने देना चाहते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि एकमात्र विकल्प था और आयरलैंड उत्तरी और दक्षिणी सीमा मुक्त रहे, मतलब दोनों ही अपनी जो है बाउंड्री से मुक्त रहे। और साथ ही साथ में यहाँ पर एक छोटा सा एग्रीमेंट जो था 1998 में गुड फ्राइड फ्राइड समझौता, गुड फ्राइड समझौता था, और यूरोपीय संघ के साथ में एकल बाजार के अखंडता की रक्षा की जा सके, इसके ऊपर इस प्रकार का जो समझौता था NIA ने UK और UE मतलब UK यूनाइटेड किंगडम और साथ ही साथ में यूरोपीय यूनियन के साथ में दोहरे अधिकार के तहत कार्य करता है। और कहने का यह तात्पर्य है कि यह क्षेत्र जो होता है विशिष्ट रूप से यूके के भीतर एक क्षेत्र है, साथ ही साथ यूरोपीय संघ की सीमा जो है वो सीमा शुल्क नियम और ब्रिटेन के साथ में व्यापार में एकल बाजार द्वारा शामिल है। तो
ब्रिटेन का शेष भाग जो है वो पूरी तरह से यूरोपीय संघ से बाहर है, तो ये चाह रहा है कि मैं भी यूरोपीय संघ से बाहर आऊं, और यूरोपीय संघ से बाहर आकर ये स्वतंत्रता से अपनी ट्रेड करना चाह रहा है। तो यही सबसे बड़ा कारण यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि मेन मुद्दा क्या है। मेन मुद्दा यही था, बेलफोस्ट में नया सौदा क्या है, मतलब बेलफोस्ट के अंदर क्या ऐसी नई डील हुई है, उसके ऊपर भी अगर अपन चर्चा करें तो बेलफोस्ट के अंदर भी एक नई डील हुई है, उसको भी अपन यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिएगा 2023 के अंदर विल्डर फ्रेमवर्क ने यूके के निकासी प्रोटोकॉल पर एनआईए की चिंता को संबोधित किया है, और एनआईए ने ग्रेट ग्रेट ब्रिटेन को माल भेजने के लिए आवश्यक कागजी कार्रवाई को सरल बनाया है। ढांचे के रूप में यूके की उन कंपनियों पर ग्रीन लैन की अनुमति दी गई है, और एनआईए को माल भेजने के लिए तथाकथित ट्रेडर्स योजना में शामिल हो गई है। और इसके विपरीत आयरलैंड और अन्य यूरोपीय संघ के देशों में भेजे जाने वाले यूके के माल को दस्तावेजों से अधिक कड़ी जांच के बाद में लाल लेन माध्यम से मंजूरी दी गई है। तो यहाँ पर ये भी बात है कि जो मेन ऑब्जेक्ट यहाँ पर निकल रहा है वो ये भी निकल रहा है कि यूनाइटेड किंगडम जो है उसके जो प्रोटोकॉल है, मतलब निकासी का जो प्रोटोकॉल है, उस पर भी चिंता जताई गई है। और विल्डरसन फ्रेम ने नॉर्थ आयरलैंड और जो यूके हैं उन दोनों के बीच में कच्चा माल जो होता है उसका पेपर वर्क को सरल बनाया है, सबसे पहली चीज तो ये कही जा सकती है। दूसरा ये कह सकता है, जनवरी में एक प्रस्तावित किया गया था कि कमांड पेपर प्रक्रिया यहाँ पर लागू की जाए, आसानी से उसको आसान बनाया जाए, और 80% जो वस्तुएं थी उसे चेक करके छोड़ दिया जाता है, और यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो बाजार है, मतलब आंतरिक जो बाजार है, उस बाजार में नॉर्थ आयरलैंड की स्थिति को संरक्षित करने के लिए एक निकाय की स्थापना की गई है। मतलब सबसे बड़ी बात यही होती है कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहां पर इंटरनली ट्रेड हो सके, ठीक है ना। और इस योजना के तहत हालांकि हम देखें तो नॉर्थ आयरलैंड के दोहरी क्षेत्र अधिकार के कारण ग्रेट ब्रिटेन की कंपनियां जो है वो अधिकतर पेपर वर्क को समान करना पड़ता है, उन दोनों को सेम वर्क करना पड़ता है, तो इधर भी करना पड़ेगा और उधर भी करना पड़ेगा, दोनों में सबसे बड़ी चिंता ही यही है ना। और जनवरी के अंदर घोषित किए गए प्रस्ताव के अंदर अगर मैं इसमें कहूँ तो जो मैंने अभी बात बताई वही यहाँ पर लिखी हुई है कि कमांड पेपर कहा जाता है, और इस प्रक्रिया के दौरान आसान बनाया जाता है, और ग्रेट ब्रिटेन से उत्तरी आयरलैंड में परिवहन के लिए 80% सामान को चेक से छूट देकर ग्रीन लैंड की जगह लेना होता है, और इसमें यूके के आंतरिक बाजार में उत्तरी आयरलैंड की स्थापना में संरक्षित करने के लिए एक निकाय की स्थापना की गई है। बिल्कुल सही बात है, फिर भी नवीनतम व्यवस्था के इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि ग्रेट ब्रिटेन जो है, या ग्रेट ब्रिटेन जो है वो एनआईए के सामान भेजने वाली कंपनियां ग्रेट ब्रिटेन के भीतर भीतर गंतव्यों के बीच में व्यापार करने वाली कंपनियों के साथ में सापेक्षित अधिक कागज कार्रवाई की जाएगी, और इसे एनआईए के दोहरे आधिकारिक की कीमत है। मतलब सबसे बड़ी बात यही आ रही है, मेन ट्रेड का इशू यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है, और इन इनमें सबसे बड़ी चीज यही होती है, सिनफेन और डीयूपी जो है इस प्रकार के संगठन यहाँ पर रहे हैं, तो इन संगठनों के द्वारा जो कार्रवाई की गई है ना, तो विचारधारिक यहाँ पर सबसे बड़ा यह है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही आई थी, अर्थव्यवस्था में जो पिछड़ापन आ रहा है, और उसमें नागरिकों की तौर पर भी जो विरोध आया था 2016 के अंदर, 56% नागरिक जो थे वो बेलफिस्ट जो है उसके अंदर विरोध कर रहे थे, और प्राथमिक रूप से ये संकेत भी संवैधानिक स्थिति को बता रहा था कि नागरिकों की यहाँ पर जो मेन अर्थव्यवस्था है वो यहीं से डेवलप हो रही है, तो उसके ऊपर भी सबसे बड़ा इशू रहा, और ये उम्मीद जताई जा सकती थी चुनाव के बाद में, इन लोगों ने सोचा कि भाई लोग यही सोचते हैं, चुनाव हो गए थे तो लोगों ने सोचा कि नहीं ये सरकार जो है वो काफी कुछ करेगी और आने वाले समय में लोगों के लिए कुछ ना कुछ प्रयास किया जाएगा, तो उस समय भी 2016 में भी 2021 में भी ऐसी कुछ परिस्थितियां पैदा हुई थी, उन परिस्थितियों को आगे बढ़ के अब सरकारें अपना काम कर रही है, तो आने वाले समय में क्या चुनौतियां रहेगी, मैं अगर इस पे बात करूं, क्योंकि मेन मुद्दे पर अगर अपन आए थे तो दो चुनौतियां यहाँ पर सबसे बड़ी है। पूरा टॉपिक समझने का अंतिम जो क्लू है वो यही है, इसके थ्रू आप पूरा समझ जाओगे कि इसमें मेन चुनौतियां क्या है। तो यहाँ पर ब्रिकिस्ट द्वारा डाला गया जो ऐतिहासिक फैसला, उसके ऊपर ब्रिकिस्ट से संबंधित दबाव बनाया गया है, और राजनीतिक गतिरोध की सबसे बड़ी बात रहती है, और संघवादी और राष्ट्रवादियों के बीच में
अनिवार्य गठन में बाधा आ रही है। सबसे बड़ी बात ही यही समझ में आई मुझे यहाँ पर, और जो बात मैंने लिखी है उसमें भी यही हो है, संघवादी और राष्ट्रवादियों के बीच में अनिवार्य संगठनों की यहाँ पर जो है उचित आवश्यकता है, जो कि कमजोर कर दिया गया है, वो सबसे बड़ी बात है। और आयरिश आयरिश प्रधानमंत्री ने नॉर्थ आयरलैंड में राजनीतिक परिदृश्य में चल रही चुनौतियों के सामने अगर हम देखें तो उसका समाधान निकालने के लिए वर्तमान स्थिति को पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है और उसे सुझाव देने की आवश्यकता है और प्रणाली को दुरुस्त करना पड़ेगा और प्रणाली में सुधार लाने का बहुत बड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा, तब ये होगा। इसे पुनर्विचार करना चाहिए, है ना, इन सभी परिस्थितियों के ऊपर कि आयरिश प्रधानमंत्री को ये हाल ही में इस प्रणाली पर सुधार लाना चाहिए, आह्वान करना चाहिए कि मैं सुधार लाऊंगी, और वह इस उद्देश्य के साथ में उपयुक्त नहीं माना जा सकता कि ये जो परिस्थितियां बन रही है उस परिस्थितियों को व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए। तो ऐसा इसमें सिनेरियो यहां पर रहता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसी ही वीडियोस के लिए आपको थ्रोन एजुकेशन को फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। शाइनिंग ऑफ।